दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया बाइक रैली का आयोजन। बात करें आदर्श नगर विधानसभा की, जहां श्री पवन शर्मा जी, उनका कहना है कि एमसीडी में बदलाव की बहुत जरूरत है। पिछले बीते कुछ सालों में बीजेपी की तरफ से एमसीडी में कोई कार्य ढंग से नहीं किया गया, हर जगह गंदगी देखने को मिलती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के तारीख को आगे ले जाना मात्र एक बहाना है। अगर उनको तीनों सदन को एक करना ही था तो 8 साल से क्यों नहीं किया। दिल्ली से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। हम इस टाइम खड़े हैं दिल्ली के विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा में। जो हमारे साथ हैं इस टाइम पवन शर्मा जी, आइए बात करते हैं कि आज की बाइक रैली किस लिए और क्यों रखी गई है। आज की जो बाइक रैली बताई जा रही है पूरे दिल्ली में, किस लिए और क्यों बताई जा रही है? ये एमसीडी में बदलाव यात्रा रैली रखी गई है क्योंकि भाजपा ने, केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को, शायद इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें घोषित करने के मात्र 1 घंटा पहले केंद्र सरकार पत्र लिखकर देती है कि चुनाव को रोक दिया जाए, एमसीडी को, तीनों एमसीडी को एक करना है। अगर तीनों एमसीडी को एक करना था तो पिछले 8 साल से केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, पहले भी कर सकते थे। लेकिन ये मैं ये कहूँगा कि अंबेडकर साहब के जो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और भाजपा बुरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार एमसीडी में भी जो है आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में जो है एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को लेकर आएंगे। इस बात से जो है भाजपा डरी हुई है और चुनाव को रोक दिया गया है। और अगर बात करें पंजाब में अभी जो आम आदमी पार्टी के इतनी अच्छी जीत बताई जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंजाब की जनता ने दिल्ली मॉडल को देखते हुए, केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल को देखते हुए पंजाब में बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को दी है और इससे जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। लेकिन हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हर जिम्मेदारी को बखूबी आज तक निभाते आए हैं, जो कहा है वो किया है, कोई भी वादा खिलाफा नहीं की गई है। मेरा नाम नितिन जैन है, मैं वार्ड 17 का संगठन मंत्री हूँ। ये जो रैली है ये एमसीडी में बदलाव की रैली है। एमसीडी के अंदर जो भाजपा 15 साल से लगातार भ्रष्टाचार करती जा रही है, पूरे दिल्ली के अंदर गंदगी फैलाई हुई है, एंक्रोचमेंट फैलाई हुई है, उसके खिलाफ ये बदलाव रैली है। एक मौका एमसीडी में केजरीवाल नू, ये रैली का जो मोटिव है ये है कि केजरीवाल जी को मौका दिया जाए एमसीडी के अंदर, ताकि वो जो सफाई व्यवस्था है दिल्ली के अंदर उसको भी सुचारू रूप से कर सके और दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल बना सके जिसमें हर आदमी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और साफ सुथरा माहौल हो। जय हिंद। चुनाव जो है, भाजपा जो है अभी इलेक्शन से भाग गई है, डर के भागी, कि उनको पता है जैसे उनका हाल दिल्ली के इलेक्शन में हुआ था वैसे ही अब होएगा, और एमसीडी में भी वो बहुत बुरी तरह हार होने वाली है। उससे बचने के लिए उन्होंने इलेक्शन को डिले करने का एक ऑप्शन चुना जो गलत है। इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए ताकि जो दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था की जो हालत है खराब हुई हुई है उसको ठीक किया जा सके टाइम से। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर जो डर सताया हुआ उसको देखते हुए दिल्ली सरकार आज अपनी रैलियां निकाल रही है। मैं विशाल शर्मा, P24 न्यूज़, दिल्ली।